नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कुर्स्क में रूस के लिए वापसी का रास्ता हुआ है मुश्किल। कोमारोवका में रूसी सेना ने क्यों किया है सरेंडर, और सुमी में रूसी मजबूती के लिए बंदी की आखिर मायने क्या हो जाते हैं। विस्फोटक जंग से जुड़ी हुई खबरों के लिए नजर डालिए रूस यूक्रेन टॉप 9 में। कुर्स्क में एयर स्ट्राइक कर यूक्रेन ने रूस का बड़ा पुल उड़ाया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे सीम नदी पर बना ग्लुश्कोवो ब्रिज धमाके में तबाह हो गया। इस पुल के नष्ट होने से यूक्रेनी कब्जे तक पहुंचने का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है। कुर्स्क में रूस ने विध्वंसक पलटवार किया। यूक्रेनी सेना पर रैपिड एंटी टैंक गन से ताबड़तोड़ शेलिंग की गई। यूक्रेनी कब्जे वाले इलाके में 7 किलोमीटर तक सटीक हमले कर भारी तबाही मचाई। कई यूक्रेनी फ्रंट को तहस नहस करने का दावा किया। कुर्स्क में यूक्रेन ने रूस के एक और KA-52 हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन ने मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम से हमले का वीडियो भी जारी किया। यूक्रेनी ग्राउंड फोर्स पर हमले के दौरान रूसी हेलीकॉप्टर निशाना बना। कुर्स्क में मोर्चा संभालने के बाद रूस की ड्रोन यूनिट ने दिखाया कमाल। एक के बाद एक कई अमेरिकी आर्म्ड व्हीकल को निशाना बनाया। रूसी सेना की 810वीं ब्रिगेड ने वीडियो जारी कर अमेरिकी स्ट्राइकर को ध्वस्त करने का दावा किया। कुर्स के मोर्चे पर रूसी आर्मी ने बड़ा पलटवार किया। सुदजा के बाहरी इलाके में एक और जर्मन मॉडल को ड्रोन से तबाह कर दिया। रूसी सेना ने हमले का विस्फोटक वीडियो जारी कर कई यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का दावा भी किया। कुर्स्क में आज भी जारी रहा यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन्स का कहर। हाईवे से सटे लिंक रोड पर यूक्रेनी काफिले पर जोरदार अटैक। ड्रोन के सटीक हमले में 2 यूक्रेनी बख्तरबंद वाहन तबाह। रूस के हमले में कई सैनिकों के मारे जाने का भी दावा। कुर्स्क के कोमारोवका में रूस को तगड़ा झटका लगा। चारों तरफ से घिरने के बाद रूस के 24 जवानों ने सरेंडर कर दिया। टेलीग्राम पर जारी इस वीडियो में रूसी जवानों को यूक्रेनी सेना के सामने आत्मसमर्पण करते देखा जा सकता है। कुर्स्क आक्रमण को लेकर यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा। वीडियो जारी कर बताया कि 6 अगस्त को स्पेशल फोर्स के रास्ते कुर्स्क में दाखिल हुई रूसी चौकियों पर अचानक हमला किया और फिर हाईवे को कंट्रोल किया। सुमी से अब और आगे नहीं बढ़ पाएंगे यूक्रेनी सैनिक। चारों तरफ माइंस का जाल बिछाकर रूस ने MLRS की मजबूत किलेबंदी की। सुमी के रास्ते हो रही थी यूक्रेनी सेना की कुर्स्क में एंट्री। सुमी में रिमोट माइंस लेइंग सिस्टम डिप्लॉय।